राधे राधे मित्रों, आज मैं आपके लिए ठाकुर जी की प्यारी सी जैकेट बनाकर लाई हूँ। इसको आप किसी भी ड्रेस पर बना पहना सकते हो। ये बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये मैंने 32 चेन बनाई है। 32 चेन बनाने के बाद मैंने तीसरी चेन में एक फली बनाई और ऐसे हर एक चेन में ये डबल क्रोशिया बनाया है ऐसे, और ये दूसरी लाइन भी मैंने ऐसे ही करी है। अब फिर मैंने इसके बाद ये डिज़ाइन डाला है। ये डिज़ाइन डालना मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने इसको दो फिर ये प्लेन सिलाई कर दी है, ये वाली। हर चेन के ऊपर एक एक क्रोशिया डाला है मैंने, डबल क्रोशिया। और ये मैंने आगे का पीस बनाया है। ये मैंने 9 चेन में बनाया है। और जब मैं पीछे का बनाऊँगी तो मैं यहीं से शुरू करूँगी, यहाँ से, क्योंकि इसमें मुझे 8 8 दूनी 16 और बीच में भी मुझे 16 चाहिए। ये आगे का एक पीस मैंने तैयार किया है ऐसे। अब देखो, इधर का पीस बनाना बताती हूँ मैं आपको और ये डिज़ाइन डालना बताती हूँ। देखो, ये मेरा पीस तैयार हो गया है, तो मैं यहाँ से इसको काट देती हूँ, धागे को, ऊन को। देखो, ये मैंने यहाँ से अलग कर दी और इसको भी यहाँ से ऐसे काट दिया है। अब मैं पहले ये वाला पीस बनाती हूँ। देखो, ये मेरा इधर से सीधा है, तो मैं इसमें भी इधर से ही लगाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मैंने 9 चेन में ये वाला डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ से ये इस वाली चेन से आपको जैसे ये वाला डिज़ाइन बना है ऐसे ही देख के इधर बनाना है। देखो, इधर मैंने ये 2 डबल क्रोशिया लिए हैं सबसे पहले, तो इधर भी मैं ये ऊन जोड़ती हूँ ऐसे, और मैंने 2 चेन बनाई। अब मैं यहाँ पे पहले 2 डबल क्रोशिया डालती हूँ, 1 और 1 2। ये मैंने दोनों अलग अलग चेन में बनाए हैं ऐसे। देखो, ये इधर से भी सीधा है, तो इधर से भी सीधा हो गया। अब ये देखो, ये मैं कैसे बनाती हूँ। अब मैंने 1 2 चेन बनाई। पहले वाली चेन में ऐसे ऐसे क्रोशिया डाला ऐसे। अब ये देखो, इधर मैंने एक चेन छोड़ के एक बना रखा है, तो मैंने एक चेन छोड़ी और इसको ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे। अब 1 2 चेन इसके बीच में से ऐसे निकाला, ये फिर 1 2 चेन फिर इसके बीच में से ऐसे निकाला ऐसे। फिर मैंने 1 2 चेन छोड़ के इसको ऐसे जोड़ दिया, ये देखो, ये फिर मैंने इसको ऐसे डबल फली बनाई है ऐसे। 1 2 3। देखो, ये मेरा यहाँ पर 3 फली का बॉर्डर यहाँ से ही चल रहा है शुरू से। इनको मैंने 3 ही रखा है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है, ठीक है। देखो, ये 3 3 फली का बॉर्डर चल रहा है ऐसे ही, 3 का मैंने इधर चलाया है। अब मैं यहाँ पर 2 चेन बनाती हूँ, 1 2। फिर मैं इन 3 के ऊपर तो 3 बनाए मैंने, 1 2 3 ऐसे। अब मैंने ये देखो, ये जो बीच की फलियां हैं इनके ऊपर बिना धागा लिए बनाया है। ये देखो, 3 के ऊपर 3 और यहाँ पर बिना धागा लिए ऐसे। अब ये देखो, इसके बीच में मैंने ये 3 फलियां बनाई हैं, 1 2 3, और इसके बीच में मैंने एक फली बनाई है ऐसे। देखो, ये जितनी हमारी नीचे फली है हमें इतनी ऊपर करनी है। अब हमारी नीचे 9 फली है, 3 3 2 नीचे, और ये की 7 और 2 के ऊपर 2, तो ये हमारी 9 फली हो गई है ऐसे। 1 2
ऐसे। अब देखो, अब ये एक लाइन मैंने इस रंग की करी है। अब मैं ये वाली ऊन इसमें ऐसे लगाती हूँ। पहले एक चेन, फिर एक, दो। अब आपको ये गिनते रहना है कि आपने नौ फली के ऊपर डिजाइन शुरू करा है तो आपकी नौ ही फली होनी चाहिए, नहीं तो आपका छोटा बड़ा हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। ये देखो, ये आपका पूरे नौ आ गए हैं ऐसे। अब इसको मैं यहाँ से भी तोड़ देती हूँ ऐसे, और ये भी। ये देखो, ये मेरा सीधा डिजाइन है और ये भी सीधा है, एक लाइन और एक लाइन उल्टी, और ये भी सीधा और ये भी सीधा। आपको ऐसे देख के ही बुनना है। अब मैं ये वाला डिजाइन इधर से मैंने शुरू किया था तो मैं इधर से ही बुनती हूँ इसको। ये ये मेरा ऐसे हो गया। अब मेरे पास ये बीच में फलिए कम है तो मैं जिस फली में मैंने ये एक पीछे की पीस आगे की पीस में ली है, इसी फली से फिर शुरू करती हूँ यहाँ से। फिर एक, दो। यहाँ पे मैं ये मेरा डिजाइन अच्छा सा आ जाए तो एक फली बना लेती हूँ बस, डबल क्रोशिया ऐसे। अब एक, दो, दो बनाई मैंने इसमें। देखो ये डिजाइन, अब देखो मैंने ये पूरे में ऐसे ही डिजाइन बनाया है ऐसे, ये ऐसे। देखो एक, दो चेन बनाई ऐसे, ये ऊन ऐसे ली ऐसे, और इसमें से निकाली ऐसे, अब मैंने यहाँ पर एक, दो, दो फलियाँ छोड़ी हैं नीचे, दो चेन छोड़ रखी है, एक, दो, और तीसरी में ऐसे डाला है ऐसे। फिर देखो एक, दो, दो चेन, और आपको पहली बार ऐसे धागा लेना है और यहाँ से ये डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे, एक, दो, फिर आपको एक, दो चेन, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे दो छोड़ना है, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर एक, दो चेन, इसको यहाँ से डालना है ऐसे, फिर एक, दो चेन, फिर इसको यहाँ से ऐसे डालना है, फिर एक, दो, फिर एक, दो चेन, इसको यहाँ से डालो, फिर एक, दो चेन, फिर ऐसे निकालो, फिर यहाँ पर दो चेन छोड़नी है, फिर ऐसे, फिर देखो, फिर एक, दो, और फिर यहाँ पर आपको ये एक ही चेन है इसलिए एक छोड़ के यहाँ पे आपको एक फली बनानी है ऐसे। ये देखो, ये जैकेट में, पूरी जैकेट में यही डिजाइन बना हुआ है। अब मैं इसको पलटती हूँ। अब दो चेन, ये पहले वाली फली के ऊपर आपको ऐसे फली बनानी है ऐसे। अब आपको यहाँ पर एक फली बनानी है ऐसे, क्योंकि आपने नीचे एक ही चेन छोड़ी है।
अब इसमें आपने दो दो चेन छोड़ी है, तो आपको तीन तीन फलियां बनानी है, ये ऐसे एक, ये देखो ऐसे इसमें डाला, ऐसे निकाला और ऐसे निकाल दिया दो, फिर इसी में डाला ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह में तीन फली बना रही हूँ, ऐसे इसमें एक दो तीन, ये मैं बिना धागे लिए बना रही हूँ, एक दो तीन, फिर इसमें एक दो तीन, और फिर ये यहाँ पे फली के ऊपर फली देखो, ये आपका डिज़ाइन कितना प्यारा सा तैयार हो गया है। देखो मैंने ही नीचे यही वाला डिज़ाइन बनाया है, अब मैं आपको इसमें ये वाला रंग जोड़ती हूँ, ये देखो अब मैंने इसमें ये जोड़ लिया, अब आपको इसकी तरह जैसे आपने सब में ये एक एक डबल क्रोशिया बनाया है, ऐसे ही यहाँ पर बनाना है, सबसे पहले दो चेन एक दो, और अब इसको यहाँ पर एक दो तीन, हर चेन के ऊपर आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, इसमें आपको मतलब गिनना भी नहीं है, क्योंकि अब आपको आगे की पीस बना के समझ में आ गया है कैसे बनाना है, तो आपकी जो फलियां हैं कम नहीं होंगी, ये ऐसे अब आपको ये फली ऐसे जोड़नी है इसमें, ये देखो ये मैंने इसमें बीच में बढ़ा के बीच मतलब यहाँ पे किनारे पर, किनारे पे एक एक में दो दो कर दिया है, और ये बीच में बढ़ा के 20 फली कर ली है ऐसे, अब मैं इनको देखो ऐसे करती हूँ, अब इसको ऐसे पलटिए ऐसे उल्टी तरफ से, ये अब आपको यहाँ से ये एक एक फली लेनी है, ऐसे निकालना, ये वाली 9 फली है, और इन वाली फली को आप 7 फलियों में जोड़ दीजिए, कहीं कहीं एक में एक बार दो ले लेना, ये इसकी बाद वाली और इसकी भी ये वाली, ऐसे दो, अब आप इसको इसी में लीजिए और इसकी नहीं ले लो, तीन तीन चार पांच छः, वो दो दो भी गिन रही हूँ ना मैं, इसलिए वो ज़्यादा हो गए हैं,
आठ, नौ, ऐसे ये आपका जुड़ गया है, ऐसे अब आपको यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, बस आपको यहाँ पे सात चेन छोड़नी है, एक, दो, तीन, चार, छः, सात, और इन चेन को आप ऐसे बुन दीजिए, ऐसे ये देखो। अब ये बीच में मैंने छह फलिए, छह चेन बिना जोड़े बुन लिए। अब मैं इसको फिर ऐसे उल्टी तरफ से फिर इसको ऐसे जोड़ती हूँ। देखो आपको ये लेना है ऐसे और ये ऐसे, फिर ये फिर इसी में से इसको अगले वाले को भी ले लीजिए। ये देखो ये जो चेन के दो सिरे होते हैं, एक ले रही हूँ मैं सिरा, एक और एक इसका ले रही हूँ ऐसे, और इन दोनों को ऐसे निकाल रही हूँ। ये देखो ये यहाँ से मैंने एक लिया ऐसे, और फिर ये लिया इसका ऐसे, और फिर ये ऊन निकाली और इन दोनों को ऐसे निकाल दिया। फिर मैं इसी में से लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास नौ है आगे की पीस वाली चेन, और ये मेरे पास सात है ऐसे। अब ये देखो फिर ऐसे, और फिर ये लिया ऐसे, और इनको ऐसे निकाला ऐसे। इसको यहां से तोड़ देना, ये जितने भी धागे हैं इनको सबको अंदर दबा देना। और ये देखो ये आपके ठाकुर जी की जिकेट तैयार हो गई है। ये देखो ये देखो, अगर आपको ये मुड्ढा छोटा लगता है तो आप इसको और यहाँ से छोड़ देना, ये यहाँ से छोड़ देना ये। अब मैं आपको इस पे चारों तरफ खिंगरी करनी बताती हूँ। देखो अब यहाँ से मैं ये धागा जोड़ती हूँ ऐसे, अब एक, दो, तीन चेन बनाई और मैंने ऐसे इसमें ऐसे डाला। और इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ये वाले धागे को भी आप ऐसे अंदर ले लेना ऐसे। फिर एक, दो, तीन चेन बनाई और इसमें से ऐसे निकाला ऐसे, और फिर यहाँ पे जोड़ दिया फिर एक, दो, तीन चेन, फिर ऐसे निकाला और इसको ऐसे जोड़ दिया। फिर एक, दो, तीन चेन और इसको ऐसे, ये देखो
एक दो तीन ऐसे। ये मैं हर एक फली में, जो मेरी एक लाइन है, हर एक लाइन में इसको जोड़ती जा रही हूँ। एक दो तीन, फिर ऐसे और फिर फिर इसको यहाँ पे जोड़ो। एक दो तीन ऐसे, एक दो तीन ऐसे, एक दो तीन ऐसे, आपको ये चारों तरफ बनानी है। एक दो तीन ऐसे। अभी हम ये गले पे आ गए, तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे शुरू में हम एक ही छोड़ रहे हैं ऐसे। अब एक दो तीन ऐसे, अब एक दो छोड़ के तीसरी में आपको ऐसे करना है ऐसे। एक दो तीन, यहाँ से ऐसे लिया, ऐसे निकाला, और अब यहाँ पे एक दो चेन छोड़ी, तीसरी चेन में ऐसे लिया ऐसे। अब एक दो तीन ऐसे, फिर ऐसे लिया और फिर इसको यहाँ पे जोड़ ऐसे। अब एक दो तीन, फिर इसको यहाँ से लिया ऐसे, फिर ऐसे निकाला, फिर ऐसे, फिर ये इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया। एक दो तीन फिर इसको ऐसे। देखो अब जैसे आपने इधर किया है, ऐसे ही इधर कर लीजिए। देखो अब मैं पीछे की साइड कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ही फली छोड़ी, फिर एक दो तीन चेन बनाई और ऐसे। अब मैं एक एक दो दो फली छोड़कर ऐसे बना रही हूँ। एक दो तीन ऐसे। अब मैंने फिर दो फली छोड़ी और ये बीच से ले रही हूँ मैं फली के। एक दो तीन, फिर ऐसे ऐसे, एक दो तीन, और मैंने जैसे ऐसे डाला ऐसे निकाला, एक दो फली छोड़ी, यहाँ से बीच से लिया ऐसे और ऐसे निकाल दिया। एक दो तीन ऐसे, एक दो तीन ऐसे, एक दो तीन ऐसे। आप ये पूरी लाइन कर लीजिए। देखो इस तरह मेरी ये लाइन पूरी हो गई। देखो ये मेरी ऐसे किंगरी चारों तरफ हो गई है। ये देखो अब इसको, ये पूरा हो गया, तो इसको यहाँ से आप इसको ये अंदर कर दीजिए ऐसे। जितने भी धागे हैं उनको ऐसे अंदर निकाल दीजिए ऐसे, बाकी जो बड़ा है उसको काट देना। देखो इस तरह ठाकुर जी की प्यारी सी जैकेट तैयार हो गई है। यहाँ पे आप सुंदर से बटन लगा लीजिए यहाँ पर, और ये आप ठाकुर जी को किसी भी ड्रेस के ऊपर पहना सकते हो। ये देखो और यहाँ पे इसको आप दो दो, एक दो तीन, तीन तीन सुंदर से बटन लगा लो, और ये वी गले में। ये देखो ये आप किसी भी ड्रेस के ऊपर ठाकुर जी को पहना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, और आप भी अपने ठाकुर जी के लिए प्यारी सी जैकेट बना लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।